ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, तीनों पे एमसीक्यू कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ इनर्शिया का है, तो इन्हीं पे बेस्ड है जो अब क्विज आएगी, एमसीक्यू आएगी। तो सब क्या करेंगे, चैट बॉक्स में आंसर भेजेंगे। ठीक, फर्स्ट है, व्हाट कॉजेज द मोशन ऑफ बॉडी विच इज इनिशियली इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। बी भी आंसर आया है इसका। दिवांश, अभी तो बताया कि स्टेट हमेशा रेस्ट में रहना चाहती है, और जब तक उस पर कोई बाहर फोर्स नहीं लग रहा होता। लॉ ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसका ऑप्शन ए है, फोर्स। सेकेंड, पीपल सिटिंग इन अ मूविंग बस एक्सपीरियंस अ जर्क व्हेन बस स्टॉप। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ टर्निंग, इनर्शिया ऑफ एक्सलेशन। अमित कह रहे हैं बी, बाकी सब ने जो भेजा है वो ए भेजा है। अंशिका भी बता रही हैं। अभी तक अच्छा, ए भी प्रियांशु ने तो कहा कि ए भी दोनों हैं। नहीं, ऑप्शन तो एक ही करेक्ट है इसका, प्रियांशु। अब कोई बस में बैठा है, जब वो बस में बैठा है और बस मूव कर रही है, ठीक है, तो उस टाइम इनर्शिया ऑफ मोशन काम कर रहा है। बस रेस्ट में होती और फिर वो चलना स्टार्ट करती, फिर वो जर्क फील करता, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर कोई चीज रेस्ट में है तो इनर्शिया रेस्ट वाला होगा, जब मूविंग है तो इनर्शिया मोशन वाला होगा। पैसेंजर सिटिंग इन अ स्टेशनरी कार एक्सपीरियंस अ जर्क व्हेन अ कार सडनली स्टार्ट। दिस इज ड्यू टू, चलिए इसका आंसर तो मैंने अभी बता ही दिया आपको, अब तो ठीक आ जाना चाहिए। एनर्जी ऑफ इनर्शिया रेस्ट। रेस्ट है ना, कि यस स्टेशनरी है, मूव करना स्टार्ट किया तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। अ स्ट्रेट मूविंग बस टेक्स अ शार्प राइट टर्न। व्हाट हैपन टू अ पैसेंजर सिटिंग इनसाइड द बस। दे विल टिल्ट राइटवर्ड्स, दे विल टिल्ट लेफ्टवर्ड्स, दे विल स्टे द वे दे आर, दे विल स्टार्ट जंपिंग। इसका तो सब बी बता रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो अगर राइट टर्न हो रहा है तो लेफ्ट में फील करेगा जर्क, अगर लेफ्ट टर्न हो रहा है तो राइट में फील करेगा, राइट है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जर्क फील होगा। तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन भी आ रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में हमें फोर्स मिल जा रही है। व्हाई वी डू नॉट एक्सपीरियंस एनी लीनिंग व्हेन ट्रेन टेक्स अ टर्न। बस टर्न कर रही है तो हम जर्क फील कर रहे हैं, बट जब ट्रेन टर्न कर रही है तो हम नहीं जर्क फील कर रहे हैं या कुछ मूव नहीं कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ ट्रेन इज पावरफुल, बिकॉज लार्ज टर्निंग ऑफ रेडियस, बिकॉज ट्रेन डज नॉट टर्न, बिकॉज द ड्राइवर इज सो स्मार्ट। बी ऑप्शन सबने भेजा है, सी भी आ रहा है, सचिन ने सी कहा है कि ये ट्रेन टर्न ही नहीं करती है, सीधे सीधे चलती रहती है ट्रेन। सचिन नो मैम। मुड़ती तो है ही क्या, जो है आप यहाँ तो मेट्रो भी देख रही हो, मेट्रो क्या मूव नहीं होती है, टर्न बस सीधी सीधी चलती रहती मैम है। किसी ने डी भी करा है मैम। अच्छा, डी भी क्या, दीपक भी क्या है, हंस मूर्ति रहा, और दीपक हंस रहे हैं फिर कि डी जो है ड्राइवर बहुत स्मार्ट है, तो हमें सर के यार फील ही नहीं हो रहा है, ये दीपक जी कर रहे हैं। दीपक तो, क्योंकि जो ट्रेन है वो लार्ज रेडियस ऑफ से कर्व करती है, तो इसलिए जो है हमें कोई लीनिंग या जर्क फील नहीं होता है, लेकिन जब वो चलती है या रुकती है तो हम जरूर फील करते हैं, तो वो लॉ ऑफ इनर्शिया मोशन और रेस्ट की वजह से करते हैं। व्हाट इज द फोर्स सप्लाइड ऑन अ बॉडी विद 5 kg ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ 7 m/s। फोर्स कितनी होगी। उत्तम भी बहुत खुश हो रहे हैं डी का, डी आंसर देखे ना है उत्तम। चलिए इसका आंसर बताइए। सब ये बता रहे हैं।
बिल्कुल ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ से है, तो एफ इक्वल टू एम ए, तो मास भी दे रखा है, एक्सेलरेशन भी दे रखा है, तो 35 न्यूटन्स आंसर आ जाएगा। यूनिट ऑफ फोर्सेस वो तो मैंने अभी बताई दिया, ए ऑप्शन न्यूटन्स। द न्यूटन इज इक्विवेलेंट, ये बताइए ये क्या होगा, इसमें से न्यूटन से इसमें से किसके बराबर होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबने ए ऑप्शन भेजा है, बिल्कुल ठीक, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है करेक्ट ऑप्शन है, न्यूटन्स इक्विवेलेंट टू, एफ इक्वल टू एम ए होता है, तो एम के लिए मास के लिए केजी और ए के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 10 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी द मास ऑफ बॉडी, कितना मास होगा। फोर्स दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, तो सभी ऑप्शन बता रहे हैं 2.5 केजी करेक्ट ऑप्शन। इफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, एफ इक्वल टू एम ए है, तो एक बार ए दे दिया एक बार एम दे दिया, सब ए बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक। 50 को 5 से डिवाइड किया तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम इज, मैंने बोला था कि मास वेरिएबल, लेकिन ये वो क्वेश्चन नहीं है जो मैं कहना चाह रही थी, लेकिन फिर भी इसको भी कंसीडर कर लेते हैं फिलहाल। एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम इज अ कार मूविंग, अ रॉकेट टेकिंग ऑफ, अ बाइसाइकिल मूविंग, अ मैन वॉकिंग। सचिन ये बोल रहे हैं कार मूविंग वेरिएबल मास का एग्जाम्पल है। बाकी सबका तो बी है, तो रॉकेट टेकिंग ऑफ जो है करेक्ट ऑप्शन है, तो फिलहाल तो इसको हम इससे समझ सकते हैं कि रॉकेट का जो फ्यूल, क्योंकि इतनी हाई वेलोसिटी से मूव करता है, तो जब इसका फ्यूल बर्न हो रहा होता है तो इसका मास कम होता चला जाता है, लेकिन इसकी इतनी हाई वेलोसिटी होती है वहां पे एक वेरिएबल ऑफ मास का और प्रिंसिपल लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका मास इंक्रीज होता है जैसे जैसे वेलोसिटी हम इंक्रीज करते हैं। तो वेरिएबल ऑफ मास सिस्टम का जो एग्जाम्पल है वो रॉकेट है, ठीक है, चाहे हम दोनों केस से कंसीडर कर सकते हैं, फ्यूल के केस से कंसीडर करेंगे कि फ्यूल की वजह से जो, अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी रख लें और एक लिमिटेड बहुत हाई वेलोसिटी पे मूव ना करें, तो फ्यूल की वजह से धीरे धीरे रॉकेट का मास कम होता जाता है, और बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी पे बात कर लें अप्रोक्सीमेटली लाइट की वेलोसिटी पे, तो उस केस में फिर रॉकेट का मास इंक्रीज भी होगा, बट कम ज्यादा होगा कि मास ज्यादा इंक्रीज होगा वो डिपेंड करेगा फ्यूल कितना बर्न हो रहा है और कितनी वेलोसिटी है। हाउ डज वी कैलकुलेट फोर्स इन वेरिएबल मास, तो ये तो मैंने डिस्कस किया ही था अभी, कांस्टेंट वेलोसिटी सिस्टम है बट मास वेरिएबल है, तो फोर्स जो है कितनी होगी, ऑप्शंस आ रहे हैं। ये रोशन तुमने इसी क्वेश्चन के लिए बी लिखा है या इससे पहले वाले के लिए था ये, रोशन और रजत, शायद सबने सी बताया है, सचिन के एक्सेप्ट, सचिन बोल रहे हैं एफ इक्वल टू एम बी होगा, एफ इक्वल टू एम बी तो इसी केस में होता ही नहीं है, एफ इक्वल टू एम, ऐसे हाँ एफ इक्वल टू एम ए तो देखो किसी केस में हमने पढ़ा ही नहीं, हमने पढ़ा था अभी तो बताया था एफ इक्वल टू डीपी ओवर डीटी होता है, और अगर वी जो है वेरिएबल है मास कांस्टेंट है तो उस केस में हम एम ए लिख लेते हैं, और अगर मास सॉरी मैम, वेरिएबल, इसमें मैम नोटिफिकेशन आ रही थी, इस वजह से मैम वो वर्ड नजर नहीं आया था, मतलब उस पे क्या टाइप हुआ, इस वजह से मैम अच्छा बी आ गया था, नहीं तो सुन पाया ठीक ऐसा है, तो होता एफ इक्वल टू वी डीएम ओवर डीटी, ये इनटू डिस्कस एम भी बी किया राइट था मैंने, हाँ तो सी यस ऑप्शन इसका मैम करेक्ट ऑप्शन है। टू बॉडीज इन अ कांटेक्ट एक्सपीरियंस फोर्स इन
सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, फाइव डिफरेंट डायरेक्शन. दो बॉडीज हैं एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में हैं, तो जो फोर्स लगेगी उन पे कैसी होगी. बी सब बता रहे हैं, तो इसमें लास्ट लग रहा है एक्शन रिएक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगेगी. ठीक है. अ बैट्समैन हिट्स अ बॉल विद अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन. व्हाट फोर्स डज द बैट विल एक्सपीरियंस. ठीक है, करेक्ट है कि एक्शन रिएक्शन है, तो जितना फोर्स बॉल पे लगा उतना ही वापस बैट पे फोर्स अप्लाई हुआ, तो 5 न्यूटन. A truck with a mass of 2,500 kg traveling with the acceleration of 5 m/s hit a speaker. What force does the truck experience? Ma'am, answer A is. A option is 12,500 newtons force लगेगी.